हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टिल डिगिंग। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। क्वेश्चन हमें कहता है कि टू गन्स ए एंड बी कैन फायर बुलेट्स एट स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकंड एंड 2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब दो गन है जो बुलेट फायर कर सकती है 1 किलोमीटर पर सेकंड और 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ हॉरिजोंटल ग्राउंड। मतलब एक हॉरिजोंटल ग्राउंड पे एक यहाँ पर से अपन बुलेट चलाएं तो एक 1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगी और एक 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगी। दे आर फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, मतलब हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में फायर किया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एरियाज कवर्ड बाय द बुलेट्स फायर्ड बाय द टू गन्स ऑन द ग्राउंड। मतलब जो मैक्सिमम एरिया से जो बुलेट्स फायर हुई है ना, अपन को इस एरिया और इस एरिया का रेशियो निकालना है। एक बात क्लियर करते हैं कि यहाँ पर दे रखा है दे आर फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, बट इसका यहाँ कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि अब उनको मैक्सिमम वाला जो है ना, जो मैक्सिमम जिसमें एरिया कवर किया है, अब उनको उनके एरियाज का रेशियो निकालना है। और प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम कब होता है? प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम होता है 45 डिग्री पर। तो अपन को 45 डिग्री पे जो एरिया बन रहा है ना दोनों प्रोजेक्टाइल का, उन एरियाज का रेशियो निकालना है। हाँ, तो अब एरिया कैसे फाइंड करें? एक बात नोटिस करो, जब भी ये दो बुलेट चलेगी, ये अपनी 2 किलोमीटर पर सेकंड वाली और ये अपनी 1 किलोमीटर पर सेकंड वाली, यहाँ पर दोनों में सेमी सर्कल बन रहे हैं। तो अपन को सेमी सर्कल के, इन दोनों सेमी सर्कल के एरिया का रेशियो निकालना है। दोनों में थीटा जो है वो है 45 डिग्री, जैसा हमने बताया। और यहाँ पर ये पार्ट और ये पार्ट, ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है, दोनों रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है, दोनों अलग है। इसको मैं R2 बोल देता हूँ और इसको मैं R1 बोल देता हूँ, दोनों रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो आधा होगा ना अपना, वो अपने सेमी सर्कल का रेडियस होगा। ये अपने सेमी सर्कल का रेडियस है, अपन को ये फाइंड करना है, तभी अपन इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकाल पाएंगे। इस इक्वेशन को रखते हैं साइड में और अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। अपन को निकालनी है रेंज। रेंज का फॉर्मूला होता है R=U²(sin(2θ)/g। ये अपने रेंज का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर थीटा जो है वो 45 डिग्री है और साइन टू थीटा हो गया साइन 90 डिग्री, 2 × 45 = 90। और साइन टू थीटा का फिर कोई मतलब ही नहीं रहा क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो डायरेक्टली अपना जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया U²/g। अब इन दोनों से अपन को रेंज ही निकालनी है दोनों सेमी सर्कल की। तो चलो गाइस, अब रेंज निकालते हैं। अब कुछ नहीं करना है यहाँ पर, अपन सबसे पहले U² की वैल्यू पुट करते हैं 1² क्योंकि 1 किलोमीटर पर सेकंड है, u की वैल्यू 1 है, अपॉन g की इसकी वैल्यू अपन 10 लेंगे, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और फिर यहाँ पर लिख देंगे 2² 2 किलोमीटर पर सेकंड, u यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1 किलोमीटर, रेंज है, और यहाँ पर आ जाएगी 0.4 किलोमीटर। तो अपने पास ये दोनों रेंज आ गई। तो ये तो अपना हो गया डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब इसको अपन 2 से डिवाइड कर ले दोनों को, तो अपना सेमी सर्कल का रेडियस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.05 किलोमीटर और ये हो जाएगा 0.2 किलोमीटर। अब इन दोनों का एरिया फाइंड करते हैं और उस एरिया का रेशियो निकालते हैं। अब रेडियस आ चुका है तो सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं, जो होता है अपना πr²/2 और इनका रेशियो ऐसे निकलेगा πr²/2, दोनों एक दूसरे के अपॉन में। तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, r² मतलब 0.05 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.2 का होल स्क्वायर। इनको रखा अपन ने साइड में, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0025/0.04। इसको अपन मल्टीप्लाई डिवाइड करें और यहाँ से अपन ने ये हटाया, यहाँ से हटाया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 400, दैट इज 25/400 एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/16। तो 1/16 का रेशियो है दोनों एरियाज में।